सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को असुरन चौक स्थित अभिनंदन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। गोरखपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में आयोजित जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का विकास किया है। हमने मेडिकल कॉलेज दिए, सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया और महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध किया। सीएम ने कहा कि हमने बिजली विसंगति को दूर किया, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को बिजली देने का प्रबंध किया। कहा कि गरीबों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जो कार्य किया है, आज चुनाव में विपक्ष के लोग झुठला नहीं पा रहे हैं। योगी ने कहा कि ये पार्टियां केवल दिखाने के लिए अलग अलग हैं, ये लोग अकेले भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। सीएम योगी ने बगैर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिए कहा कि सल्तनत की शहजादी भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस पार्टी केवल वोट कटवा की भूमिका अदा कर रही है, ये केवल वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम किसी विशेष जाति, धर्म, परिवार या इलाके के आधार पर विकास का काम नहीं कर रहे हैं, हम समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। पूरे राज्य में प्रगति हो रही है और गोरखपुर में भी प्रगति हो रही है, इसलिए जनता विकास के नाम पर भाजपा प्रत्याशी को वोट दें। प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने अपने अंदाज में संबोधित किया तो वहीं नगर विधायक ने भी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में गोरखपुर लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला, हिंदू युवावाणी के प्रदेश महामंत्री पी के मल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में बीजेपी व हिंदू युवावाणी के पदाधिकारी व महिला कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। जो कहते हैं कि बहुत ही, तो हम महिलाओं के लिए कुछ किया तो हम बहनों के लिए। महानगर के प्रभारी भाई रामलाल कुशवाहा जी, प्रदेश के प्रथम श्रेष्ठ बंधुओं, नागरिकों, माताएं और बहनों, हम भी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद की इस सभा को संबोधित करें। नगर विधायक डॉक्टर राजा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रद्धेय श्री राम रवि किशन जी, आलिया तो धीमी है आपकी, ये प्रत्याशी के लिए एक अलग प्रकार का आकर्षण देखा है, एक अलग प्रकार का सम्मान देखा है। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे गोरखपुर नगर विधानसभा की क्षेत्र की माताओं और बहनों, मित्रों, योगी जी की बातें और मोदी जी की बातें तो आपने मन से बहुत सुनी होंगी। आज मैं कुछ और बातें आपसे करने जा रहा हूँ। हमारे मित्र थे, किसी जमाने में लिखा करते थे, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, दुष्यंत कुमार की इस नज्म को सचमुच जिसने अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी कला के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर, अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर, अपने एक अद्भुत जिजीजा के आधार पर, जिसने इस भारत की भूमि पर सिद्ध करके दिखाया है, ऐसा है हमारा लोकसभा का प्रत्याशी, आप सबके हृदय में बसने वाला भोजपुरी सम्राट हमारा रवि किशन। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हम सबके बीच, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज के सभा के मुख्य अतिथि पूज्य महाराज जी हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। कर्तव्य ध्वनि से आप सभी महाराज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जिसने अपने जीवन में किसी काम को छोटा नहीं समझा, गरीबी को जिसने अपने जीवन में प्रत्यक्ष जीने का काम किया, गरीबी की पीड़ा का जिसे अपने जीवन में स्वयं एहसास है कि गया। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारी अपनी माटी की भाषा भोजपुरी है, हमने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, अंग्रेज
धातुओं को तोड़ करके किरमी के अंदर दूर बना करके दुनिया के ढेर सारे कोनों में भेज दिया। उसकी पीड़ा जिसके अंदर बसती थी, ऐसा नौजवान के संघर्ष को देखा है। हमने बहुत सारी आपकी पिक्चरें देखी हैं, लगातार गरीबों की लड़ाई, सिद्धांतों के संघर्ष की आवाज में मोदी जी और योगी जी से कहा, मैं इसी पूर्वांचल की धरती से उभरा हूँ, आज पूरे देश का एक्टर बना हूँ, मेरे ऊपर कर्ज है पूर्वांचल के नागरिकों का, मेरे ऊपर कर्ज है इस भोजपुरी भाषा का। मैं अगर सर बैठ कर लगातार आपसे मिलने का काम किया, ये काम इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये आप तक पहुंचना चाहते थे। इनका लक्ष्य सिर्फ सांसद बनना नहीं है। हम सबके बीच हमारे मुख्य अतिथि मुख्य नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी से, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी से कि वे महाराष्ट्र का मल्यार्पण कर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया आए और इस सभा को संबोधित। आपके सामने जो तीन दल मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, इन सारे के सारे दलों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का आपने कार्यकाल देखा, जो घोर अराजकता और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण था। 2007 से लेकर 2012 तक बहन मायावती जी का कार्यकाल देखा, जिसको जनता ने ये समझकर सत्ता दे दिया था कि ये दबे कुचलों की सरकार उनके साथ न्याय करेगी, लेकिन दलित की बेटी केवल दौलत की बेटी बनकर रह गई और घोर भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार थी 2007 से 12 तक। और जनता ने स्वयं जिस पार्टी को 206 एमएलए देकर सत्तारूढ़ किया था, उसको मात्र 2012 में 80 सीटों पर समेट दिया। 2012 में एक नौजवान मुख्यमंत्री बना श्रीमान अखिलेश यादव, बड़ी उम्मीदें थी जनता को उनसे, लेकिन 2014 आते आते सारी सपनों पर पानी फिर गया। मौज मस्ती, अपने चापलूसों से घिरे रहना, आवश्यक से आवश्यक मीटिंगों का दिल्ली में बहिष्कार करना और अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में और प्रदेश में मौज मस्ती करना, ये उनका मुख्य काम था। और 2012 से लेकर 2014 तक जो कार्यकाल रहा, उसने अखिलेश यादव को उतना अनपॉपुलर कर दिया कि जो पार्टी 224 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई थी 2014 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तो 80 में से 73 सीटें जीती एनडीए ने। जनता न भूलती है और न माफ करती है। मित्रों, हम एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं, ये दोनों असफल पार्टियां जब ये समझ लिया इन्होंने कि अकेले मोदी जी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इन्होंने गठबंधन करके केवल जात बिरादरी के आधार पर उसको दिखाकर जनता में इस प्रकार की केमिस्ट्री पेश करने का असफल प्रयास किया है कि अब हम इनको मिलाकर सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन मित्रों, इतिहास गवाह है, जब जब गठबंधन की सरकार बनी तो उसका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। गठबंधन की सरकार में पार्टियां अपने अपने हित तो देखती है, देश का हित, समाज का हित, राज्य का हित और जन कल्याण नहीं देखती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, गुलाम सिंह की सरकार मायावती जी के साथ बनी 5 दिसंबर 1993 में और 1 जून 1995 को वो सरकार चली गई। 1 साल 181 दिन केवल सरकार चली और उसके बाद दोनों में इस प्रकार की दुश्मनी हो गई कि दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। 24 साल के बाद मोदी जी और योगी जी के भय से दोनों एक होकर, रंगे सियार होकर हमारे सामने आए हैं। जिस दिन इनमें नेतृत्व की बात आएगी कि कौन किसका नेतृत्व करे, उसी दिन गठबंधन टूट जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ
कि गठबंधन को वोट देना धोखा देना है, गठबंधन को वोट देना अराजकता को वोट देना है। गठबंधन को वोट देने का मतलब 5 साल का राजनीतिक भविष्य अनिश्चय में फेंकना है। आज आपके सामने माननीय योगी जी ने इतना लोकप्रिय जो भोजपुरी का एक सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसने 500 फिल्मों में न केवल भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी संस्कृति का, भोजपुरी सभ्यता का गुणगान किया, मैं समझता हूं एक ऐसा प्रत्याशी जो आपकी आवाज न केवल संसद में बुलंद करेगा बल्कि हिंदुस्तान के उन चर्चित चेहरों में से एक होगा। मुझे देर है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी की। और जहां तक सवाल है गोरखपुर का, आज गोरखपुर को इतना कुछ दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश का सारा सम्मान, पूरे उत्तर प्रदेश की विकास की चाबी आज गोरखपुर की जनता ने जिसको 5 बार सांसद बनाया उसके हाथ माननीय मोदी जी ने सौंपी। और 2 साल में मित्रों जो ग्राफ लगातार नीचे जा रहा था, हर तरफ गिरावट की आधी थी, वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में ऊपर की तरफ पड़ रहे हैं। हर क्षेत्र में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो और चाहे गोरखपुर के विकास की बात हो, मित्रों आज वो नामुमकिन चीजें उन्होंने संभव किए हैं, नामुमकिन चीजों को मुमकिन बनाया है। केवल नगर विकास के माध्यम से आज लगभग 300 करोड़ रुपए के काम इस गोरखपुर में हो रहे हैं, केवल नगर विकास के माध्यम से। और ये देन है माननीय योगी जी की, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास और सम्मान यहाँ की धरती से जुड़ा है। हम आप लोगों से एक ही अपील, एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना करते हैं कि माननीय योगी जी के और मजबूत करने के लिए इस सीट को हर हालत में 19 तारीख को होने वाले चुनाव में कमल का बटन दबाकर श्रीमान रवि किशन को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा को संबोधित करें श्री रवि किशन जी। गोरखपुर नगर की माटी के गोरक्षु के प्रणाम करत है। और ऐसे अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास निडर कर्मठ विश्वास जिनके आत्मा में गोरखपुर बसेला, ऐसे पूज्य महाराज जी योगी महाराज जी के चरण वंदन साधुवाद गोर छु के प्रणाम ऋणी है हम इनकर, पूज्य महाराज जी के ऋणी है हम। हमने ऐसे लड़का के उठौलन एजा पहुंचौलन। मानी सुरेश खन्ना जी नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके प्रणाम करब साधुवाद। देव धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष के प्रणाम साधुवाद। राहुल श्रीवास्तव जी महानगर अध्यक्ष के प्रणाम साधुवाद। सीताराम जायसवाल जी महापौर के प्रणाम साधुवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी नगर के विधायक जी वाड़न, उनके प्रणाम साधुवाद। विपिन सिंह जी प्रदीप शुक्ला जी क्षेत्रीय मंत्री के प्रणाम साधुवाद। ओम प्रकाश शर्मा जी के नगर विधान संयोजक, राजीव रंजन अग्रवाल जी नगर विधान प्रभारी के प्रणाम साधुवाद। राजेश गुप्ता जी के ग्रामीण विधानसभा संयोजक प्रणाम साधुवाद। जयप्रकाश निषाद जी के ग्रामीण विधानसभा प्रभारी प्रणाम साधुवाद। जगनेन्द्र सिंह मेटू जी, धनंजय सिंह जुगनू जी के महानगर अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी प्रणाम साधुवाद। राम भुवाल कुशवाहा जी महानगर प्रभारी हिंदू युवानी के प्रणाम साधुवाद। ऋषि मोहन वर्मा जी के प्रणाम साधुवाद। विजय सिंह छोटू जी के प्रणाम साधुवाद। देवेश श्रीवास्तव जी के प्रणाम साधुवाद। रमेश प्रताप गुप्ता जी के प्रणाम साधुवाद। राम रेन जैन जी राधे श्याम श्री सारे हमारे सीनियर लीडर लोगों के हम एक साथ चरण नंदन नमन और साधुवाद देते हैं। रहल बात हमार तो जैसे कि हमारे बारे में जाना तड़ा कि हम लोग जीवन में चल कर आते हैं, मरेंगे कर ऊपर आया। गरीबी की पराकाष्ठा जो होती है, गरीबी
एक मिट्टी के घर से मैं मुंबई का सफर किया, उस वक्त उसका नाम बंबई था। अपनी लड़ाई लड़ी, भोजपुरी की लड़ाई हम लड़े लगे, और उस लड़ाई में हमार बड़ा हंसी मजाक भई। तुम बोलना कि पागल है, पगला है, मुंबई में जा हिंदी और अंग्रेजी का दौर है, वहां भोजपुरी कौन सुनेगा, भोजपुरी कौन देखेगा। हम ट्रेंड थे, हम चाहते तो हम हिंदी सिनेमा भी कर सकते थे, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, लेकिन हम भोजपुरी की लड़ाई लड़े सुनते कहें कि हमारे माई बोली बोलेगा। और लोग हमको जब भैया बोल के चिढ़ाता था तो हमको बहुत चिड़ होती थी, हमको बोलता था भैया इसको काम मत करो, तो हमको शुक्ला हटाना पड़ा। मैं रवि किशन बन गया, क्योंकि मुझे हमारे माई खाती साड़ी खरीदे के बाद हमारे बाबू जी का जो धोती फटल रहा है वो, और हमारा जो खेत जो अधिया पे रहा है वो के छुड़ावे के रहे, और हमारे बहनी के ब्याह करे के रहे, तो हम शिपला के हटा दिए, हम बन गए रवि किशन, ताकि हमके रोजी रोजगार मिले। हम मेहनत करने लगे, मुंबई बहुत बड़ा माया नगरी बा, और भगवान महादेव साथ दे रहे, हम शिव भक्त हैं, और लड़ाई लड़े, दुनिया देखी, लोगों को देखलन, और भोजपुरी का लड़ाई लड़ते लड़ते एक इंडस्ट्री बनाए। तब मनोज तिवारी एलन, ये सब हमारे छोट भाई बड़न, पवन सिंह खेसारी, जितना भी दिनेश लाल यादव ये हुआ, सबके बुलाए लोग गाँव में से सबके आएंगे बम्बई, और एक इंडस्ट्री की स्थापना हुई जहाज 50,000 परिवार को चूल्हा जलेला। ये हमारे संक्षिप्त में हम बता दें, हम है मामकोर का बढ़लगंज की लूपार, यह माटी का लाल है, विरोधी लोग कुछ कहता है इनकी बारी है, तो विरोधी लोगों के बोला ना हो, माटी का लाल है, भोजपुरिया लड़का है, महाराज जी का चेला है, माटी का लाल है, भोजपुरिया लड़का है, महाराज जी का चेला है। तो जो विरोधी मारन, ये जो भी है गठबंधन, महागठबंधन, इन लोग का नाम भी समझ में नहीं आता, ताकि इन लोग पूरा जीवन एक दूसरे को कर आया है, ये लालची लोग है। तब हम कहेंगे ना गठबंधन स्वाहा, ये वंशवाद वाला गठबंधन स्वाहा, ये परिवारवाद गठबंधन स्वाहा, ये बिरादरी खातिर कबो कुछ ना कैसे जैसे गठबंधन स्वाहा, जो हम समाज का खून चूस दे जैसे गठबंधन स्वाहा। अरे ये लोग सब अमीर लोग है भाई, ये लोग सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ये लोग क्या जाने गरीब का दुख, का जनिया हो गोरखपुर के स्वर्ग के बनौले, आवाज में दम नहीं है, माई हो ए माई, पूरे महिला नारी शक्ति, गोरखपुर का स्वर कौन बनाया, वाह महाराज जी बोलो ना, तो महागठबंधन ऐसा क्या करता है, ये बेशरम लोग ऐसा क्या करेंगे, कौन मुंह से वोट मांगता है गोरखपुर में, का कहलन बिरादरी खातिर, समाज खातिर, ध्यान से सोचिए माई, घरे जाके शौचालय मिल गए, हमारे माई के पास ना रहे, हमारे माई पेट दबा के बैठा रहे गांव में महाराज जी, और मैं बोलता था कहा भूल गए माई, बोले नहीं अंधार हो जाए ना तब जाई बाहर हो ना तो गांव देख ले, मैंने और दुख देखा है, हम जारी रोटी माई भूख न जलवा भूखे न जलू, आंख में चूहा होकर माई का आंसू गिरा था चूहा था, लेकिन रोटी बची के भूख लग रहा रोटी बनाए लगे, आज सिलेंडर मिल गई लो मुंह में, सड़किया ना रहे, पैरा ना रहे, खंजर के हमरे 6 महीना पहले महाराज जी हमारे गांव में सड़क बनौलन, 4 किलोमीटर सड़क रवि किशन के गांव में, आजादी के बाद बिजली आती है, सड़क आती है, कांग्रेस कितना साल राज किया, अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम लोग का आवाज,
60 साल 70 साल वाह क्या नॉलेज है। और मोदी जी कितने साल राज की? 5 साल। और 5 साल में सब कुछ मिल गया। और योगी महाराज कितने साल राज किए? 2 साल। और 2 साल में एम्स आ गया गोरखपुर में, फर्टिलाइजर आ गया, चीनी कारखाना आ गई, रवि किशनों को पकड़ के लिए ना टी वाड़न महाराज फिल्म सिटी चाहिए। अरे कूल आई हो महाराज जी चाहिए, जब तांडव करने लगे तो कूल हो जाला महाराज जी बोल रहे हैं तो समझ जा कि गुंडा लोग पान बेच रहा है। कुछ तो चल गए ना हर महादेव राम नाम सत्य है। कुछ लोग एक गुंडा मिला बोला भैया गोली खाए से अच्छा पाना बनाई हो, गुंडा टैक्स खत्म, व्यापारी खुश, छोटा धंधा वाला खुश, यही सपना है ना भारत का। सुरक्षित भारत चाहिए, मोदी जी चाहिए, पाकिस्तान को कान पटक के मारता है, आतंकवाद के छाती पर जूता रख के कौन रगड़ता है, सुनाई नहीं दिया कैसा आदमी है। कुल जवाब बार हुआ लोगों के पास, हमने कुछ नहीं बोला। जब कुल जवाब बांटे तो 19 मई के भैया हो अपने अंतर आत्मा की आवाज लेके भोरे 6 बजे निकल जाइए, घाम ढेर रही, पानी का बोतल दबाना बूथ पर भी रहेगा, बगल में पड़ोसियों को लेना कि चलो उस अपमान का बदला जो 2018 में गलती हुई, चलो उस प्राश्चित को धोते हैं, चलो महाराज जी को सम्मान दिलाते हैं। बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे धन्यवाद। ऐसे पूरे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज की सभा को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बोले भारत माता की। इस जनसभा में बसते उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी है महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजु चौधरी जी, डॉक्टर सत्या पांडे जी तनाया है। ये सब परिवर्तन तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा ना, क्यों कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक गोरखपुर की आवाज में बोलिए, ये झेप करके नहीं, गोरखपुर में विकास कुछ दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना, सड़क है, बिजली है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, और भी तमाम चीजें विकसित हो रही हैं, सब दिखाई दे रहा है ना? तो ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, जोर से बोलो, अच्छा लग रहा है ना? विकास जब होता है तो सबको अच्छा लगता है, ऐसे जब देश का विकास होता है तो सबको अच्छा लगता है ना? सबका उद्देश्य क्या है कि हमारा देश विकास की बुलंदियों को छुए, हमारा देश सुरक्षित होए, हमारे देश में चारों ओर खुशहाली हो, और यही तो कार्य मोदी जी ने 5 वर्ष में किया है ना? आपको लगता है व्यापक परिवर्तन हुआ है? जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पर मंच बना है, मंच के ऊपर भी कोई पंडाल नहीं, आपके ऊपर नहीं, लेकिन हम लोग शाम के समय हैं, इस समय धूप नहीं है, लेकिन मैंने बंगाल में देखा है भीषण तपती हुई दोपहर में मंच के ऊपर केवल पंडाल, शेष जमीन पे लोग बैठे हुए हजारों हजार की संख्या में बैठ करके मोदी मोदी चिल्ला रही है, एक ही नारा है, और वह नारा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, पूरे देश के अंदर ये नारा गूंज रहा है।
बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में, इधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आज मैं बिहार था, बिहार में भी यही सब नारे गूंज रहे हैं। कारण है मोदी जी ने चार आयामों पे बहुत अच्छा काम किया। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया। जब भारत का सम्मान बढ़ेगा तो भारत की 130 करोड़ की जनता का सम्मान बढ़ेगा ना, हमारे देश के सम्मान के साथ हमारा भी तो सम्मान बढ़ता है। आप सहमत हैं? भारत की सुरक्षा को मजबूत किया है, हमारा देश सुरक्षित होगा तो आप सब सुरक्षित होंगे ना, पूरा देश सुरक्षित होगा। आप मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं और विकास के कार्य भी, आप सोचिए दो साल पहले गोरखपुर में सड़कों के हाल क्या थे, बिजली नहीं आती थी, चार जिलों में बिजली मिलती थी प्रदेश में, गोरखपुर समेत 71 जिले ऐसे थे जहां बिजली हमेशा गायब रहती थी। हम आंदोलन करते थे, बड़े बड़े आंदोलन होते थे, सड़कों पे करते थे। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आंदोलन में मेरे साथ सड़कों पर निकल करके प्रदेश में सपा या बसपा की सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में सहभागी बनते थे, क्या सच है ना? लेकिन आज तो बिजली की समस्या नहीं है ना, आज तो भरपूर बिजली मिल रही है ना। ये भरपूर बिजली क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों सड़कें चौड़ी हो रही हैं? क्यों एम्स बन रहा है? क्यों फर्टिलाइजर बन रहा है? क्यों गोरखपुर में भी आज रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण करके डल झील की तरह इसको भी पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हो रही है। और यही नहीं, गोरखपुर में हम एक चिड़ियाघर भी खोलने जा रहे हैं। चिड़ियाघर में जितने भी पशु योनि के जीव हैं उन सबको रखेंगे। और बहुत सारे लोग इस चुनाव के बाद, आप देखना, बहुत सारे लोग जो चुनाव से रिटायर होंगे उनको भी कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में रखने की वस्तु बनाने की तैयारी होगी। एक तैयारी पूरे देश के अंदर, जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा है वैसे ही प्रदेश का विकास हो रहा है और ऐसे ही देश का विकास भी हो रहा है। जो कार्य 55-60 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो कार्य 20 वर्षों में सपा बसपा का गठबंधन नहीं कर पाया, वह कार्य आज प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रारंभ हुआ। अकेले गोरखपुर महानगर में 28,000 गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5-2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत हुए हैं और किसी शहर में इतना नहीं स्वीकृत हुआ, गोरखपुर में इतना स्वीकृत हुआ। गोरखपुर में हवाई जहाज की सेवा, पहले एक हवाई जहाज चलता था दिल्ली से, वो अभी कभी बंद हो जाता था। अब आज कभी मुझे भी अगर दिल्ली से गोरखपुर आवश्यक कार्य से आना हो तो मैं रात 11 बजे भी दिल्ली से चलता हूं तो भी गोरखपुर एयरपोर्ट में जहाज आज लैंड कर लेता है, क्योंकि हमने वो सुविधा गोरखपुर एयरपोर्ट पर दे दी है। आज दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, मुंबई के लिए होने जा रही है, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए वायु सेवा शुरू हो गई है और अब तो हम काठमांडू के लिए भी एक वायु सेवा शुरू करने जा रहे हैं। यानी विकास के लिए हम लोग वह कार्य करेंगे जो आप सोचेंगे, वह कार्य पहले गोरखपुर में हो चुका होगा। लेकिन गोरखपुर में विकास के साथ साथ कला का भी एक संगम बने, संस्कृति का भी संगम बने, भोजपुरी परंपरा को भी एक मंच मिले, इस दृश्य रवि किशन जी को मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और मैं तय कर चुका हूं इनकी अगली फिल्म में मुझे दो लोग रखने हैं, एक जवाहर कसोदन को और एक सीताराम जायसवाल जी को। अगली फिल्म में ये दोनों लोग इनके साथ कार्य करेंगे। आप देखना ये दोनों लोग कितना अच्छी एक्टिंग करेंगे, तब आप भी कहेंगे कि फिर
आप भी कहेंगे सीताराम जी को, सीताराम जी आप बिजली के लिए आप कुछ मत करिए, नाली सड़क के लिए कुछ मत करिए, और काम प्रदेश सरकार करेगी कि सुरेश खन्ना जी इसीलिए यहाँ बिठाए गए हैं कि वे यहाँ की समस्याओं को देखेंगे और चुनाव के बाद इसका समाधान करेंगे। सीताराम जी फिल्मों में एक्टिंग करें, गोरखपुर की जनता का मनोरंजन भरपूर करें। सहमत है ना? आज तो गोरखपुर में कोई दंगा नहीं हो रहा है ना, प्रदेश में भी नहीं हो रहा है ना, दो वर्ष में कोई दंगा नहीं सुना होगा ना। हमने ऐसी व्यवस्था की कि पर्व और त्योहार आते थे, लोग कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पिछले वर्ष विजयादशमी और मुहर्रम एक साथ पड़ गया, सब लोग भयभीत थे। मैंने कहा भी क्यों भयभीत हो, कहा एक साथ पड़ गया। मैंने कहा एक साथ पड़ रहा है पर नहीं दीजिए, विजयादशमी भी होगी और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का जुलूस भी निकलेगा। और मैंने कहा देखो किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो बोलना, देखना फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, समझ लो कहां पहुंचेगा। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दुर्गा पूजा के जुलूसों पर, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में रोक लगा दी। लोगों को जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वहां के हाईकोर्ट ने वहां की सरकार को कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में विजयादशमी के जुलूस और दुर्गा पूजा हो सकती है और मुहर्रम के जुलूस भी निकल सकते हैं तो कलकत्ता में क्यों नहीं हो सकते हैं। फिर वहां की सरकार ने हमसे पूछा और फिर हमने कहा कि देखो भाई हमारे यहाँ सम्मान सबको मिलता है लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं कर सकता। दो वर्ष में प्रदेश में कहीं दंगा नहीं सुनाई दिया होगा, कोई अपहरण नहीं सुनाई दिया होगा, कहीं कोई इस प्रकार की घटना नहीं सुनाई दी होगी जिस घटना से प्रदेश का सम्मान घटा हो और गोरखपुर के लोगों को कहीं नीचे देखना पड़ा हो। आपने सुना? हमने पूरी मजबूती के साथ काम किया। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देंगे, हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध कराएंगे, जिनके पास नहीं उनको देंगे। हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देंगे, हर गरीब को राशन कार्ड देंगे, हर वृद्धावस्था की अवस्था में जाने वाले निराश्रित परिवार को एक एक उसको पेंशन की व्यवस्था करेंगे। और अब तो हमारी सरकार ये भी कार्य करने जा रही है, 60 साल के बाद छोटे व्यापारियों को हम पेंशन की सुविधा भी देने जा रहे हैं। पटरी व्यवसायी हैं, अन्य व्यवसायी उनको भी चमार का शोधन भी उसमें आएगा। और फिर मैं देखता हूं कि पेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। भाई बहनों, हर छोटे व्यापारी को, पटरी व्यवसायी को हम लोगों ने श्रमयोगी मानधन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 60 वर्ष के बाद ऐसे लोगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जितनी निराश्रित महिलाएं थी सबको पेंशन, जितने दिव्यांग जन थे सबको पेंशन एक साथ। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गोरखपुर में सर्किट हाउस में कार्यक्रम किया था सिर्फ 3 महीने पहले, एक साथ 31,000 लोगों को पेंशन स्वीकृत हुआ था के लिए गोरखपुर में। एक सरकार जो विकास के लिए कार्य कर रही है, सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश की समृद्धि और देश को दुनिया की एक महान ताकत बनाने के लिए कार्य कर रही है, सरकार वही होनी चाहिए ना। आप सहमत है ना? पूरी तरह सहमत है? कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस की महासचिव, और अगर मैं कहूं पार्टी के अनुसार कांग्रेस की महासचिव, और अगर साई परिवार के अनुसार कहूं तो कांग्रेस की सहजादी ने क्या कहा? कहा कि हम लोग कांग्रेस अब वोट कटवा हो गई है। भाइयों बहनों, वोट कटवा, 3-4 साल पहले मैंने एक नाम सुना था मोहन मुचवा का, आपको याद है? गोरखपुर में बहुत सारी जगह एक दिफार तो जवाहर कसोदन जी रात्रि में जा रहे थे, लोगों ने हल्ला कर दिया मोहन मुचवा मोहन मुचवा, लोग टूट पड़े। जानकारी मिल गई तो उसके बाद इनको किसी प्रकार से बचाया, लेकिन ये अक्सर होता था कि
कोई किसी को अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो लोग हल्ला कर देते हैं, मुंह नुचवाया मुंह नुचवाया। और भाइयों बहनों आज तो जैसे मुंह नुचवा की लोग धुनाई करते थे, मैं आप सबसे कहूंगा अपने वोट से वोट पर कटवा कांग्रेस की धुनाई कर दीजिए, कायदे से धुनाई कर दीजिए और कह दीजिए कि अब कांग्रेस की वंश परंपरा का कोई काम नहीं है, हमें सुरक्षा देने वाली सरकार चाहिए, हमें विकास की सरकार चाहिए और हमारे समग्र विकास के लिए बिना भेदभाव के गरीब को, वंचित को, नौजवान को, महिला को, व्यापारी को, समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ देने वाली सरकार चाहिए। और वह कार्य कोई कर सकता है, कौन कर सकता है? मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और मोदी जी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? आप चाहते हैं ना, जो देश के अंदर नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, आप सहमत हैं? गोरखपुर में भी ये नारा लगेगा, घर घर तक ये नारा जाएगा, रवि किशन जी को घर घर जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना, आप स्वयं रवि किशन बन करके चले जाएंगे और मुझे भी नहीं मौका मिलेगा। पहले चुनाव में मैं आता था, हर वार्ड में कम से कम एक सभा करके आ जाता था, लेकिन आज मुझे पूरे प्रदेश के अंदर देखना है, प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर सभाएं लगी हैं। अब जैसे आज ही मैं बिहार गया था, अभी परसों मुझे फिर बंगाल जाना है, बंगाल में भी भाजपा बहुत अच्छी सीटें प्राप्त कर रही है, 42 में से लगभग 30 सीट भाजपा जीतते जा रही है बंगाल में। तो इसलिए गोरखपुर में मैं गांव घर वार्ड में हर मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, आप मेरी तरफ से जाएंगे घर घर, आप खड़ा करके मुझे बताइए, आश्वासन करिए कि घर घर आप जाएंगे, रवि किशन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे, तैयार हैं? सब लोग सहमत हैं? 19 तारीख को रविवार है, गोरखपुर छोड़ के नहीं जाएंगे, पहला काम मतदान होगा, ये संकल्प लेते हैं सभी लोग, अपने आसपास पड़ोस मित्र शुभचिंतक जितने होंगे सबको, मोबाइल फोन आपके पास है, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आज से ही SMS करिए और जिन गरीबों के कार्य हुए हैं, जहां पर जो अच्छे कार्य हुए हैं, एम्स बना है, फर्टिलाइजर बना है, एयरपोर्ट बना है, अच्छी सड़कें बनी है, रामगढ़ताल जो या जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं, इन सब की सेल्फी लेकर के उसको सोशल मीडिया में खूब वायरल करिए और 19 तारीख तक प्रत्याशी के साथ कोई सेल्फी नहीं लेंगे, 19 के बाद जब 23 को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो रवि किशन जी को मैं कहूंगा कि हर वार्ड में जाकर के हर कार्यकर्ता के साथ और गोरखपुर के हर नागरिक के साथ सेल्फी जरूर खिंचवाइए, तैयार हैं? सब लोग सहमत हैं? मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।